मध्य प्रदेश में दो दिन से हो रही बारिश से नदी नाले उफना गए हैं। कई बांधों के गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। मध्य प्रदेश में अब तक 24 इंच बारिश हो चुकी है। सामान्य बारिश का कोटा 23 इंच का है, यानी 1 इंच ज्यादा पानी गिर गया है। भोपाल में बुधवार को 6 घंटे में 2.5 इंच बारिश हुई। भोपाल शहर के लगभग सभी प्रमुख बाजारों और सड़कों पर पानी भर गया। कोलार डैम के 8 में से 2 गेट खोलना पड़े। इंदौर शहर में बारिश की वजह से 7 में से 3 तालाब ओवरफ्लो हो गए। एक तालाब लबालब है, 3 तालाब भी लगभग भर चुके हैं। यशवंत सागर के 2 गेट खोलना पड़े। कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया। सड़कों पर कारें बहती नजर आई। इन जिलों के अलावा मौसम विभाग ने भोपाल, इंदौर, मंदसौर, जबलपुर, रतलाम, नीमच, उज्जैन, आगर मालवा, राजगढ़, सीधी, कटनी, देवास, शाजापुर, सीहोर, विदिशा, रायसेन, शहडोल, सागर, दमोह, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बुरहानपुर, सिवनी, बालाघाट, डिंडोरी, उमरिया, सिंगरौली, रीवा, सतना जिलों में भी भारी बारिश की संभावना जताई है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गौरतलब है कि देवास जिले में रुक रुक कर पानी गिर रहा है। यहाँ के निचले इलाकों में पानी भर गया है और कई जगह आवागमन बाधित है। सोनकच्छ में काली सिंध नदी में उफान है, यह किसी भी वक्त खतरे का रूप ले सकती है। प्रशासन ने इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया है। प्राइवेट स्कूलों ने छुट्टी घोषित कर दी है।